सो हेलो गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर नवी व्लॉग। आज हम घूमने आए हैं त्र्यंबकेश्वर। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, फोटो वोटो ले रहे हैं सर, और आगे की इन्फॉर्मेशन मेरे पापा जी के पास। दोस्तों आज संडे है और आज हम जा रहे हैं अभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। मैं तो जा रहा था जंगलों में पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए, लेकिन मेरी फैमिली रह गई थी, तो आज फैमिली के साथ हम व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वह थोड़ा ही खेड़पा के आगे हम खड़े हैं। अभी आने वाला है झवेर, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं। सिलवासा से 113 किलोमीटर की दूरी पर है त्र्यंबकेश्वर। आता है उसका स्थान 12 ऐसा ज्योतिर्लिंग में से 8वें स्थान पे आता है त्र्यंबकेश्वर का यह मंदिर। तो मैं तो जा रहा था बहुत ही ट्रैकिंग जंगलों पहाड़ों में, लेकिन आज मैं फाइनली फैमिली के साथ आज जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन के लिए, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। तो चलते हैं। एक बार भूख लग गई ना तो फिर वाट लग गई, हम लोग समझ लो कहीं भी रुकना पड़ेगा, ऐसा खड्डा हो या ऐसा किधर भी रुकना पड़ेगा। गाड़ी में भी वो खाएगी, लेकिन खाएगी जरूर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज इतनी भीड़ है कि हमने पार्किंग वहां पे ही करके अभी वॉकिंग जा रहे हैं। हाय दीप, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो अभी बजे हैं 1:30 बजे हैं, अभी देखते हैं कितना वक्त लगता है हमें दर्शन में। शायद मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, तो हम लोग स्विच ऑफ करके जाएँगे, बाद में दर्शन करके आपको मिलते हैं। तो चलते हैं।
हाय आपको, हाय। गाइस आज इतनी भीड़ है ना, तो हम लोग अभी दर्शन नहीं करेंगे, फिर कभी आएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि हमें रिटर्न जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत, हम लोग आए थे मार्च में। गाइस ये अभी ये भीड़ होगी तो ये और या फिर 5 घंटे में, क्योंकि हम पहले भी आए थे। 10 थोड़ी कम से हमें 5 घंटा लगा था हमें दोस्तों, तो आज रिटर्न घर पर जाने में नाइट पड़ जाएगी, इसलिए हम लोग अभी रिटर्न जाएंगे, आज दर्शन नहीं करेंगे, रिटर्न जाते हैं। सो गाइस कभी कभी हमें लौटना भी पड़ता है, कभी कभी दर्शन नहीं हो पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी बार आएंगे नेक्स्ट टाइम, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बाकी हमने बाहर से दर्शन कर लिए दोस्तों, अभी श्रावण महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भक्तों की बहुत ही भीड़ है, तो हमने सोचा अभी चले जाते हैं दर्शन में, हमें 4-5 घंटे लग जाते और हमें घर पर भी जाना था, बीच में रास्ता बहुत ही घाटी वाला है इसलिए रिस्की रहेगा, इसलिए हमने सोचा कि हम अभी आज चले जाएंगे रिटर्न, फिर कभी आएंगे। A few hours later. So guys हम घर पे अभी जा रहे थे, तो बीच में हमने यहाँ पे देखा, हमने पाया बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, क्या नज़ारा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड हम करेंगे फैमिली के साथ, और आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी दिख रही है हमें, वो देख सकते हैं एकदम फॉगी फॉगी और खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ का देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज फैमिली के साथ आए, दीप आकु शीतल वहाँ पे रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा यहाँ पे हम रुकेंगे फिर चले जाएंगे सिलवासा। दोस्तों अभी बजे हैं 4 बजे हैं अभी। सो गाइस 4 बजे और हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं। आज इतनी भीड़ थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, तो इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप कि मत पूछो। हमको वापस रिटर्न आना पड़ा, हमने बाहर से दर्शन कर लिए, और हमने सोचा कि थोड़ा नेचर में यहाँ पे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया जाए, फिर कभी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे वापस यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करते हैं, घर से खाना लाए थे वही खाते हैं, खिचड़ी विचड़ी खाते हैं फिर जाते हैं। दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखानी, वो दिखाता हूँ, हमने खरीदी वहाँ पे रास्ते में, हम जब आ रहे हैं तो हमने बहुत ही बढ़िया चीज़ खरीदी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस क्या है मेरे हाथ में, बैम्बू। उधर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अभी मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये बैम्बू है, इसको खाया जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसको खाया जाता है। और ये कितने में पड़ा हमें शीतल? इसका सिर्फ 100 है, देखो सिलवास में रहता है 200-250 रुपये का। पे नहीं, यहाँ पे ही ब्लॉग को एंड कर देते हैं ना। चलो बाय बाय।